सो यार डांस और डिस्को किसको नहीं पसंद, लेकिन अगर मैं बोलूं कि डांस से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी ना, कि मतलब डांस भी कर लिया, पैसे भी बच गए, कोई खर्चा भी नहीं हुआ। तो यार आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जब डांस करते हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी हम लगाते हैं अपनी, और उस एनर्जी का यूज़ करके अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। डांस फ्लोर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, पहला मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल। तो पहले मैं बात करूंगा मैकेनिकल की, जो आज से 5-6 साल पहले यूज होता था। सो वहां पे क्या किया जाता था, बहुत सारे कार के ब्रेकर्स को एक साथ बना दिया जाता था, वो स्प्रिंग वाले ब्रेकर होते थे, यानी कि जैसे ही कार का प्रेशर पड़ता था वो नीचे की तरफ पुश हो जाते थे। तो क्या होता था, हर एक ब्रेकर के नीचे एक गियर लगा होता था, उस गियर से एक सॉफ्ट कनेक्टेड होती थी, वो हर एक पर्टिकुलर ब्रेकर से कनेक्टेड होती थी, जिस ब्रेकर पे कार का व्हील चढ़ता था वो रोटेट करता था, और वो सॉफ्ट जाके एक पर्टिकुलर डायनेमो से कनेक्ट होता था, उस डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बैटरीज को चार्ज करते थे। ठीक, ये हो गया पहले का प्रोसेस। सो इस टाइम पे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इनसे क्या फायदा होता है कि यहाँ पे आपको मैकेनिकल सिस्टम की देने की जरूरत नहीं होती। असल में मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता था, मैकेनिकल सिस्टम में हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता था। पहले सॉफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड करी, फिर एनर्जी जाके पहुंचती थी हमारे डायनेमो को, फिर डायनेमो को रोटेट कराया, फिर डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती थी बैटरी तक। अभी इन सब के बीच में भैया बहुत सारा लॉस हो जाता था। इस लॉस को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया सब्सटेंस बनाया जिसका नाम था पिजो इलेक्ट्रिक। पिजो इलेक्ट्रिक का सबसे अच्छा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सो इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन सफिशियंट एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है जिससे हमारा काम चल सकता है। सो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है कि डांस फ्लोर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सर स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि डांस फ्लोर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पुराना ही मेथड यूज किया। वहां पे भी गियर सिस्टम लगा हुआ था, उससे क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वैसे ही गियर के मीडियम से। जैसे ही हम उसको पुश करते थे नीचे एक रोटर घूमता था और उसके बाद डायनेमो का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। लेकिन उसने इस चीज को पलट दिया, उसने जब देखा कि पीजो इलेक्ट्रिक जैसी चीज वर्क करती है तो उसने पीजो इलेक्ट्रिक का यूज किया। वहां पे उसको जब बनाया जाता है तो वहां पे दो टर्मिनल पहले से डिजाइन कर दिए जाते हैं, तो आप उस पर जैसे ही फोर्स दो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है छोटी सी। सो इसका बेसिक एग्जांपल होता है जो हमारे तराजू होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उन सब में यूज किया जाता है। वहाँ पे आप जैसे ही वेट रखते हो कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, तो उस वैल्यू को डिकोड करके ग्राम, मिलीग्राम, केजी, इन सब में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट आप पूछोगे यार पीजो इलेक्ट्रिक ही इतनी अच्छी चीज है तो पीजो इलेक्ट्रिक का यूज करके हम पावर जनरेशन क्यों नहीं कर सकते, लोगों के लिए घर में सप्लाई क्यों नहीं दे सकते हैं? इससे हमारा लॉस भी नहीं होगा और बहुत सारी एनर्जी की खपत भी नहीं होगी। सो हमारा इससे बहुत ज्यादा ईंधन बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी एनर्जी की एक सफिशियंट एनर्जी होती है, उसके बाद वो एनर्जी देना बंद कर देता है। मान लो पेट्रोल है आपका एक लीटर, तो एक लीटर पेट्रोल आपकी मान लो कार है वो 50 किलोमीटर जाएगी और 50 के बाद वो नहीं चलेगी क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। सो इसी तरह जो पीजो इलेक्ट्रिक है वो भी वर्क करता है। सो उसका एक पीक पॉइंट होता है, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। ये तो बात होगी पीजो इलेक्ट्रिक की, लेकिन अब हम उसी टॉपिक पर रिपीट आने वाले हैं। सो यार मैकेनिकल सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। अब अपडेट करने के बाद क्या किया गया, डांस फ्लोर के जस्ट नीचे डायनेमो को सेट कर दिया गया। जैसे ही डांस करने वाला उस पर पुश करता है वैसे ही वो रोटेट हो जाता है, और जितनी सफिशियंट एनर्जी उस फ्लोर की लाइट को चलने के लिए चाहिए होती उतनी वहां पहुंच जाती है। बाकी एनर्जी तो जैसे ही डांसर उस पर पुश करता है वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और क्लॉकवाइज रोटेट होने पर जितनी सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी उस फ्लोर की लाइट को जलने के लिए चाहिए होती उतनी मिल जाती है। फिर जैसे ही डांसर अप करता है वैसे ही वो एंटी क्लॉक रोटेट होता है, और एंटी क्लॉक रोटेट होने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में घूमता है जहाँ पे उसके टर्मिनल को चेंज रखा जाता है, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो लाइट में ना जाए और वो सीधे आके हमारी बैटरी में स्टोर हो जाए। इससे क्या होगा, हमारी जो लाइट है वो अप डाउन होगी और बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। बैटरी के पास एक डायोड यूज कर दिया जाए ताकि बैटरी रिवर्स करंट ना फ्लो करे, और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है। बात आती है कि बैटरीज क्यों यूज करते हैं। सो बैटरीज का यूज इसलिए करते हैं, जैसे कि वहां पे कोई डांस नहीं कर रहा है लेकिन तब भी वहां पे उस फ्लोर को ग्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो उन बैटरीज की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उन फ्लोर को ग्लो कराया जाता है। सो अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि उस फ्लोर की जो प्राइस है मार्केट में वो प्राइस कितनी है। सो उस फ्लोर की जो प्राइस है वो है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में, एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ, और एक सेट में कम से कम 8 या 9 या 12 फ्लोर्स लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।